नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक ज्ञान में। मैं आप तक लेके आऊंगा वो सारा ज्ञान जो आपके पास होना चाहिए आज के इस टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत ही क्विक और बहुत कम समय के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपेयर करेंगे मार्केट में अवेलेबल सारे बेस्ट स्मार्ट टीवीज को, क्योंकि कस्टमर्स के मन में काफी सारा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि वो कौन से फीचर्स के साथ जाए या कौन सा टीवी खरीदे, या एक ही प्राइस रेंज में अवेलेबल इन सारी कंपनीज के स्मार्ट टीवीज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए मैं आपकी दुविधा दूर कर दूंगा और इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बजट में कौन सा स्मार्ट टीवी बेस्ट है। हम कंपेयर करेंगे MI टीवी, VU टीवी, सैमसंग टीवी, आने वाला वन प्लस टीवी और मोटोरोला टीवीज को। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्मार्ट टीवी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं या कौन सा फीचर उसका प्राइस रेंज को डिसाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक टीवी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है उसकी डिस्प्ले और स्क्रीन साइज। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, स्टोरेज, स्पीकर्स और कनेक्टिविटी। तो आइए पहले देखते हैं कि एक स्मार्ट टीवी की स्क्रीन साइज आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ HD यानी कि 720p कंटेंट ही देखते हैं तो आप एक छोटी स्क्रीन के साथ भी जा सकते हैं जो कि होगी अराउंड 32 इंचेस की। लेकिन अगर आप सिर्फ फुल HD कंटेंट यानी कि 1080p ही देखना चाहते हैं, जैसे कि DTH कनेक्टिविटी से TV या न्यूज़ चैनल्स या फिर YouTube या दूसरे एंटरटेनमेंट ऐप्स का कंटेंट, तो फिर आप एक 32 इंचेस से 50 इंचेस का TV ले सकते हैं। पर अगर आपको और भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, जैसे कि 4K या अल्ट्रा HD वीडियोस, तो फिर आप एक 50 इंचेस से बड़ा TV ले सकते हैं। पर यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अभी इंडिया में 4K रिजोल्यूशन का कंटेंट या वीडियोस आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसके लिए अलग से उस रिजोल्यूशन की वीडियोस डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये थी स्क्रीन साइज डिसाइड करने की कुछ गाइडलाइंस। आइए अब देखते हैं कि आप एक टीवी की रिजोल्यूशन कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों, इस वक्त मार्केट में 3 रिजोल्यूशन अवेलेबल है जो कि है HD, फुल HD एंड अल्ट्रा HD या 4K, जिसकी आप अगर टेक्निकलिटीज में जाएं तो एक HD TV की रिजोल्यूशन होगी 1280x720 और एक फुल HD की रिजोल्यूशन होगी 1920x1080 और एक अल्ट्रा HD की रिजोल्यूशन होगी 3840x2160, जिसमें ऑब्वियसली अल्ट्रा HD आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस रेंज भी ज़्यादा होगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इस वक्त मार्केट में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे LG का वेब OS, सैमसंग का टाइजन OS और गूगल का एंड्रॉयड TV। अगर इन तीनों की कंपैरिजन की जाए तो इनमें से बेस्ट है एंड्रॉयड TV, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ही वास्ट और बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रीन टाइप की, जिसमें आजकल दो लेटेस्ट टाइप चल रहे हैं जो कि है OLED और QLED। दोस्तों, OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडिविजुअल पिक्सल्स को लाइट अप किया जाता है ताकि एक बेटर पिक्चर क्वालिटी मिले, जो कि हमारी पुरानी LED स्क्रीन टेक्नोलॉजी से बेटर थी, जिसमें कि पूरी स्क्रीन को लाइट अप किया जाता था, जो कि अब आउटडेटेड भी हो गई है। इसके अलावा OLED स्क्रीन यानी कि क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यह स्क्रीन एक क्वांटम डॉट मटेरियल से बनी है, जिसमें टाइनी पार्टिकल्स हैं जो करंट सप्लाई करने पर एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेडिएट करते हैं, जो कि 100% कलर रिप्रोड्यूस करने के काबिल है, जिसका मतलब ये एक OLED स्क्रीन के कंपेरिजन में बेटर कलर्स प्रोड्यूस करने के काबिल है। ये अब तक की मार्केट में अवेलेबल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका प्राइस रेंज भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगला फैक्टर है ऑडियो आउटपुट, जो कि हम अक्सर स्पीकर साइज या नंबर ऑफ स्पीकर्स पर डिसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें और प्लीज़ आप किसी भी टीवी की साउंड रेटिंग वॉट्स में चेक करें ताकि आपको उसकी साउंड क्वालिटी का सही अंदाज़ा मिले। इसके अलावा दोस्तों, एक स्मार्ट टीवी में इन सब टाइप की कनेक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम अब तक की डिस्कस की हुई सारी स्पेसिफिकेशंस को एक साथ लिख लें और उसका एक फॉर्मूला बना लें, वो भी बढ़ते हुए क्रम में, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर अब आप इस फॉर्मूले में किसी भी टीवी की स्पेसिफिकेशंस को डाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो टीवी कितना बढ़िया है और क्या वो उस प्राइस के लायक है।
तो दोस्तों सारी कंपनीज ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको कंफ्यूज करने में। एक ही कंपनी के दो मॉडल्स के बीच में इतने कम डिफरेंसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। इसीलिए आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो के एंड में हर प्राइस रेंज के लिए कौन सा टीवी बेस्ट होगा दे दिया है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में। आइए अब देखते हैं कि MI टीवी हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप MI की वेबसाइट देखेंगे तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बल्कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लेने क्या आए थे और देख क्या रहे हो। तो अपनी आसानी के लिए पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा स्क्रीन साइज लेना है, फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप फुल HD डिस्प्ले चाहते हैं या अल्ट्रा HD। उसके बाद आप देखें कि स्क्रीन टाइप क्या है। दोस्तों मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि सारे MI TV LED डिस्प्ले के साथ आते हैं, ना कि QLED या OLED डिस्प्ले। तो दोस्तों वैसे अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें तो MI काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा है, जैसे कि फ्रेमलेस डिस्प्ले, 4K प्लस HDR टेक्नोलॉजी जिसमें कि पिक्चर क्वालिटी 4K से भी बेटर होगी, डॉल्बी और DTS अनेबल्ड साउंड क्वालिटी, एक 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर जिसमें कि 2GB रैम और 8GB स्टोरेज भी मिलेगी। इसके अलावा काफ़ी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 10,000 से 20,000 रुपये तो MI TV 4A 40 इंचज वाला आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन अगर आपका बजट है 20,000 से 30,000 रुपये का तो आपके लिए MI TV 4X 50 इंच वाला बेस्ट होगा, और अगर आपका बजट 30,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए MI TV 4A 65 इंचज वाला बेस्ट होगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि वीयू टीवी हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों वीयू के पास भी कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको मात्र 2,000 से 3,000 रुपए के डिफरेंस पर एक नया और बेटर मॉडल मिल सकता है, लेकिन मैं आपका काम आसान कर देता हूँ और बता देता हूँ कि इन सब मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। वीयू के पास है 3 डिफरेंट मॉडल्स के टीवी, जो कि हैं वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी जिसमें है एक 4K रिजोल्यूशन और ये सपोर्ट करता है HDR10 एंड डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी को। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इस सीरीज में 4K HDR टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी भी मिलेगी, और इस मॉडल्स की प्राइस रेंज है अराउंड 35,000 से लेकर 72,000 तक। अगला है वीयू पिक्सेलाइट टीवी जिसमें है 4K रिजोल्यूशन और ये सपोर्ट करता है HDR, डॉल्बी ऑडियो एंड DTS जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को। इसमें VOD यानी वीडियो ऑन डिमांड फीचर भी आता है, जिससे कि आप किसी भी डाटाबेस से मूवी सिलेक्ट करके प्ले कर सकते हैं और उससे फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड या पॉज भी कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि एंड्रॉयड OS। इन टीवीज की प्राइस रेंज है अराउंड 30,000 से लेकर 66,000 तक। इसके बाद आता है वीयू अल्ट्रा स्मार्ट टीवी जिसमें है फुल HD यानी कि 1080p रिजोल्यूशन और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी एंड DBX टीवी ऑडियो टेक्नोलॉजीज को। इन टीवीज की प्राइस रेंज है अराउंड 14,500 से लेकर 31,000 तक। आइए अब कंपेयर करते हैं इन सीरीज में अवेलेबल सारे टीवीज की स्पेसिफिकेशंस को। तो पहले देखते हैं वीयू अल्ट्रा स्मार्ट टीवी जिसमें अभी मार्केट में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें पहला एक बजट टीवी है जो कि 32 इंचेस का है और HD यानी कि 720p रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। दूसरा भी एक बजट स्मार्ट टीवी है जो कि 49 इंचेस का है और फुल HD यानी कि 1080p रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है। अगर आप कम पैसे में एक बड़ा टीवी लेना चाहते हैं तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं वीयू पिक्सेलाइट टीवी पर, जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं और ये कस्टमर्स में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आइए मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो यहाँ पर अवेलेबल है 7 मॉडल्स, जिसमें 43 इंचेस में दो मॉडल्स आते हैं और 50 इंचेस में दो, 55 इंचेस में दो और 65 इंचेस में एक मॉडल आता है। अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको सिर्फ इनके पिक्चर इंजन में ही डिफरेंस मिलेगा, जिसमें मेरी रिसर्च के अनुसार एक हाई एंड ड्यूल कोर प्रोसेसर लेना आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा, और यही डिफरेंसेस आपको 50 इंचेस और 55 इंचेस के अवेलेबल मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अपने लिए एक टीवी सिलेक्ट करना हो तो आपके प्राइस रेंज में ये वाले टीवीज आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों अब सिमिलर कंपैरिजन अगर हम वीयू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी का करें तो इन सारे ही टीवीज में आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे और एक बेटर पिक्चर प्रोसेसर भी, जो कि है हाई एंड क्वाड कोर प्रोसेसर।
तो अगर आपको अपने लिए एक टीवी सिलेक्ट करना है तो आपके प्राइस रेंज में ये वाले टीवी बेस्ट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि सैमसंग टीवी में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आती हैं। दोस्तों सैमसंग के पास वैसे तो टॉप क्लास प्रीमियम स्मार्ट टीवी अवेलेबल हैं, लेकिन इन सब में एक भी बजट स्मार्ट टीवी अवेलेबल नहीं है। सैमसंग के पास तीन टाइप्स के टीवी अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला है फुल HD या HD टीवी, जो कि सैमसंग का सबसे लीस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला टीवी है और इसका प्राइस रेंज अराउंड 30,000 रुपए से स्टार्ट होता है। अगला है 4K UHD स्मार्ट टीवी, जो कि मिनिमम 55,990 रुपीस से स्टार्ट होता है, जिसमें एक 55 इंच साइज का स्मार्ट टीवी आता है। इसके बाद आता है एक QLED 4K स्मार्ट टीवी, जो कि कम से कम 1,85,300 रुपीस से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि OnePlus और Motorola स्मार्ट टीवीज में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो OnePlus और Motorola के आने वाले स्मार्ट टीवीज के ऊपर बना दी है, जिसमें मैंने उनके सारे फीचर्स, वेरिएंट्स और प्राइसेस के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किया है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एक बेटर कंपैरिजन मिले। ये वीडियो आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आने वाले टैग की मदद से देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों अंत में सारे बेस्ट टीवीज को एक साथ देख लेते हैं, ताकि आप अपने बजट के अनुसार एक बेस्ट टीवी आसानी से पिक कर सकें। तो दोस्तों ये थी कंपैरिजन मार्केट में अवेलेबल सारे बेस्ट स्मार्ट टीवीज के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके का ज्ञान मैं आप तक लाता रहूं। थैंक यू।